हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में टॉप ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में शायद आप आज से पहले जानते नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम पिछले 5 साल से 647 डैनिश चिल्ड्रन के पू यानी पोटी पर रिसर्च कर रहे थे, और इस रिसर्च के रिजल्ट ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जब वैज्ञानिक बच्चों के नैपी के सैंपल को रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें उस नैपी में वायरस की 10,000 स्पीसीज मिली हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें ज़्यादातर वायरस को आज तक देखा नहीं गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जिसको सबसे खतरनाक नदी के नाम से जाना जाता है, और इस नदी का नाम शनाय टिम्पिस्का है, जिसे ला बॉम्बा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जो इस नदी के पानी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर कोई गलती से भी इस नदी के पानी में गिर गया तो उसकी मौत पक्की है। और यह नदी साउथ अमेरिका के अमेजॉन बेसिन में बहती है, और इस नदी की खोज साल 2011 में एंड्रिज जूजो नाम के एक व्यक्ति ने की थी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एंड्रिज जूजो ने इस नदी की खोज अपने दादा सुनी कहानी के बाद की थी, जो कि बहुत अमेजिंग, क्योंकि यह नदी सिर्फ एंड्रिज जूजो के दादा की कहानियों में थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने वर्ल्ड के बड़े से बड़े पार्क के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी वर्ल्ड के सबसे छोटे पार्क के बारे में सुना है? दोस्तों, मिल एंड्स पार्क वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्क है, जो कि USA के ओरेगॉन में है। दोस्तों, यह पार्क इतना छोटा है कि आप इसे अपने एक स्टेप में ही पार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पार्क मात्र 452 स्क्वायर इंच का है, और इस पार्क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसा AI मॉडल डेवलप किया जो कि ह्यूमन के माइंड को भी रीड कर सकता है, और इस AI मॉडल का नाम सिमेंटिक डिकोडर है, जो कि ब्रेन के एक्टिविटी को रीड करके उसको एक टेस्ट के फॉर्म में बदल देता है। और इस AI मॉडल का सबसे ज़्यादा बेनिफिट पैरालाइज्ड पर्सन या वो पर्सन जो बोल नहीं सकते उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस AI के थ्रू इन लोगों के विचारों को ईजिली जाना जा सकेगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ब्रेन कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके होने के बाद उस शख्स के बचने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वैसे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है। अगर वो फर्स्ट और सेकंड है तो कुछ बचने का चांस रहता है, लेकिन अगर थर्ड स्टेज है तो बचना नामुमकिन होता है। और ग्लियोब्लास्टोमा एक ऐसा ब्रेन कैंसर है या ट्यूमर जो कि बहुत कॉमन है होना, और ये ट्यूमर जितना कॉमन है उतना ही इसका ट्रीटमेंट हार्ड है। बट साइंटिस्ट कहाँ हार मानते हैं, और वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हाइड्रोजेल डेवलप कर लिया है जो ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर को पूरी तरह से वाइप आउट कर देता है, और दोबारा उस ट्यूमर को ग्रो भी नहीं होने देता। और इस हाइड्रोजेल को अभी चूहों पर ही यूज़ किया गया है, और इसका रिजल्ट 100% रहा है, और अब साइंटिस्ट इसका यूज़ ह्यूमंस पर करेंगे, और अगर इसका रिजल्ट सेम रहा तो ये इस सदी का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ।